आ रहा है दुश्मनों का काल राफेल। राफेल एक गेम चेंजर साबित होगा दोस्तों। 36 राफेल लड़ाकू विमानों का भारत और फ्रांस के बीच उस वक्त सौदा हुआ था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर गए थे। करीब 59,000 करोड़ रुपए के सौदे में दोनों देशों के बीच जो समझौते हुए थे उसमें राफेल एक गेम चेंजर साबित होगा दोस्तों। आइए जानते हैं राफेल की खासियत, खूबियाँ, स्पेसिफिकेशन, किस तरह ये गेम चेंजर साबित होगा। हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ जब युद्ध होगा तब, जैसे पाकिस्तान और चाइना। राफेल 2 इंजन वाला और 2 पायलट वाला लड़ाकू विमान है जो भारतीय वायुसेना की पहली पसंद है। हर तरह के मिशन में इसे भेजा जा सकता है। इसमें लगी 1.30 mm की एक गन एक बार में 125 राउंड गोलियां चलाने में सक्षम है। इसमें 150 किलोमीटर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल लगी हुई है जिसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक है। ऑप्टोनिक सिक्योर फ्रंटल इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक सिस्टम से भी ये लेस है। इस विमान में MBDA मेटोर और MBDA अपाचे जैसे कई तरह के खतरनाक मिसाइलें और गन लगी है, और जो पूरी तरह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है जो पल भर में दुश्मनों को मिट्टी में मिला सकती है। राफेल को अफगानिस्तान और लीबिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन करने का कई बार मौका मिल चुका है जिसमें वो पूरी तरह सफल रहा। इस तरह का मिसाइल चीन, पाकिस्तान समेत पूरे एशिया में किसी के पास भी नहीं है, ये सिर्फ राफेल के पास है। इस विमान की लंबाई की बात की जाए तो 15.27 मीटर है। इस विमान की खासियत है कि यह ऊंचे इलाकों में भी लड़ने में माहिर है। राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। राफेल मैक्सिमम 24,500 किलोग्राम का वजन उठाकर उड़ सकने में सक्षम है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2,200 से लेकर 2,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल एक बार उड़ान भरने पर 3,700 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। एक राफेल विमान बनाने में तकरीबन 70 मिलियन की कॉस्टिंग आती है दोस्तों। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इंडियन आर्मी के हिसाब से इस राफेल में थोड़े बहुत बदलाव भी किए गए हैं। जानते हैं राफेल भारत के लिए क्यों है जरूरी। पाकिस्तान और चीन से देश की सीमाओं की सुरक्षा हमेशा के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है। वायुसेना में वैसे ही लड़ाकों की कमी है, ऐसे में राफेल विमान भारत के लिए बहुत और बहुत जरूरी था दोस्तों। इस विमान का उपयोग अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लीबिया, माली जैसे जंगी कार्रवाइयों में, युद्ध में इस्तेमाल हो चुका है और जो काफ़ी सफल रहा। अगर राफेल को वायुसेना के जंगी जहाज के बेड़े में शामिल किया जाता है तो इससे सेना को एक नई ताकत मिलेगी। रही बात राफेल की डिलीवरी की तो दोस्तों, अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर में इसकी डिलीवरी मिलना चालू हो जाएगी और अगले आने वाले 2 सालों में 36 राफेल हमारे भारतीय वायुसेना के हिस्सा होंगे और हिस्सा होते ही चीन और पाकिस्तान के पसीने छुड़ाने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।